नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कोई भी एग्ज़ाम के बाद उसकी कट ऑफ प्रिडक्शन करते हैं, और वो लगभग लगभग उसकी कट ऑफ जो है उसके आसपास ही जाती है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को इससे पहले भी, आप लोग मेरे सारे कट ऑफ चेक कर सकते हैं, तो वो आसपास ही रहती है। वो कभी कभी क्या है, कभी कंपटीशन और पेपर लेवल और स्टूडेंट्स के कुछ ज़्यादा ही अच्छे परफॉर्मेंस के कारण कभी कभी ज़्यादा चले जाती है कट ऑफ। जैसे ESIC का मैंने प्रेडिक्ट किया था 60 60 टू 65 के अराउंड, लेकिन 71 चले गई, क्योंकि पेपर के हिसाब से स्टूडेंट्स ने काफ़ी मेहनत किया था और काफ़ी स्टूडेंट्स अपीयर हो गए थे पेपर पे। तो इस बार आप लोग का जो मेंस का पैटर्न है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि क्या पेपर क्या को क्या आप लोग का बन सकता है कट ऑफ, कितना आप लोग को लाना होगा, कितना आपने अटेम्प्ट किया है, कि आगे आप कुछ सोच सकते हैं कि आप लोग को क्या बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे आ जाते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात किया जाए तो पेपर में आप लोग का आया था रीजनिंग और मैथ, जो कि आप लोग 60 60 मार्क्स के होते हैं। आपको दोनों में 35 मिनट्स का टाइम था, 40 40 क्वेश्चंस थे, मतलब 80 क्वेश्चंस थे और आपका 120 मार्क्स था। ये आप लोग का गेम चेंजर था। इसमें जो जिसके अच्छे मार्क्स आ गए तो वो तो निकाल लेगा, क्योंकि बात यह है कि जनरल अवेयरनेस में जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें मैक्सिमम आप लोग का क्वेश्चंस अभी आ चुके हैं। हर साइट में आप जो चेक कर सकते हैं, तो मैक्सिमम अगर कोई स्टूडेंट स्कोर कर सकता है तो मैक्सिमम आप लोग का स्कोर कर सकता है जितना कर सकता है, लेकिन मिनिमम आप लोग का कम से कम वो 16 17 तो करना ही पड़ेगा उसको। 16 17 तो लाने ही पड़ेंगे, 16 17 15 के आसपास तो लाने ही पड़ेंगे अगर उसको कट ऑफ क्लियर करना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई पीक पर चल रहा है। अगर उनके मैथ्स और रीजनिंग में हल्के से भी कम हुए तो उनको जनरल अवेयरनेस में उठाना पड़ेगा, और इंग्लिश में तो क्या बताएं, इंग्लिश में आप लोग का 40 40 मार्क का आप लोग का पेपर रहता है, तो 40 मार्क में आप लोग 33 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को कम से कम 15 तो लाना ही पड़ेंगे, 15 से 16 उसमें तो लाना ही पड़ेंगे। इंग्लिश में आपको 15 से 16 लाना पड़ेगा और GK में आपको 15 से 16 लाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग ये सब सोचने के बाद हम लोग देखते हैं कि पेपर कैसे आया हुआ, उसके हिसाब से हम लोग कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं। तो कट ऑफ प्रेडिक्ट करने से पहले मैं ये बता दूं आप लोग को कि कट ऑफ जो होता है, आप लोग को फिर से मैं कट ऑफ का एक बार ये बता दूं कि कट ऑफ होता क्या है। मान के चलिए आप लोग 100 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो 100वां स्टूडेंट है ना, 100th स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का कुछ मार्क्स होगा, उसी को कट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, 101 वाला जो है वो फेल हो जाता है, 102 वाला फेल हो जाता है, 99 वाला पास हो जाता है, 100 वाला पास हो जाता है, तो ये 100th वाला जो स्टूडेंट है उसी को कट ऑफ बोलते हैं। तो ये जो लास्ट कट ऑफ है अभी जो आप लोग का हुआ है मेंस में, आप लोग कितने लोग दिए हैं, 1:10 के रेशियो में दिए हो, 1:10 के रेशियो में दिए हो, एक के पीछे 10 लोग को बुलाया गया है, 294 सीट थे आप लोग के, 3000 समथिंग के अराउंड बुलाया गया। रीजन इसका ये था, 71 कट ऑफ बनाने के बाद 71 पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, उसके कारण जो है आगे पीछे हो गए और 3000 क्रॉस कर गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ऐसा तो है नहीं कि ये स्टूडेंट्स IBPS क्लर्क अगर उनके साथ क्लैश किया हो तो वो ESIC मेंस को छोड़े होंगे, तो ESIC मेंस को बहुत अच्छे से दिए हैं सबके सब स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट्स का मैंने रिव्यू देखा कि कैसे रिव्यू आ रहे हैं, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे अभी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो ये 1:10 जो है अब चेंज होगा आप लोग का, अब ये चेंज होगा आप लोग का Tier 3 के लिए। Tier 3 बोलिए या एग्जाम Level 3 बोलिए या फिर आप लोग Paper 3 बोलिए, कुछ भी बोलिए आप लोग, तो थर्ड पेपर के लिए जो है अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कुछ लोगों को। अब ये कुछ लोग कितने होते हैं, वो कुछ लोगों को करने के लिए कितना मार्क्स लेना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन वॉज वेरी वेरी इजी। रीजनिंग और मैथ की बात किया जाए तो काफ़ी इजी आया हुआ है, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ के हिसाब से बहुत इजी आया हुआ है। पजल्स ठीक है, एक पजल आप लोग का थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज किया है, वो एक पजल को छोड़ के अगर देखा जाए तो काफ़ी आई हुई अच्छी अच्छी रीजनिंग आई हुई है। मैथ बहुत ईजी आया हुआ है, तो इसकी बात किया जाए तो आप लोग को अराउंड 80+ तो करना ही पड़ेगा अगर आप लोग को प्लस निकालना है तो। ठीक है, 80+ तो आप लोग को लाना ही पड़ेगा अगर आपको पेपर क्लियर करना है, आउट ऑफ 120, आउट ऑफ 120 आप लोग को 80+ तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 80 से कम हुआ तो बात बिगड़ने के बहुत चांसेस हैं, तो 80+ तो आपको लाना ही पड़ेगा, और अगर 80 से कम बन रहे हैं तो आप दूसरे सेक्शन में कवर कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा सारे सेक्शन की बात। तो रीजनिंग और मैथ की बात किया जाए तो 80+ तो आपका होना ही है। ठीक है, 80+ होना है, यहाँ हो गया आपका 80+। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो लास्ट है वो उसका कितना होना चाहिए मार्क्स। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की, बात करते हैं इंग्लिश में आप लोग को 30 क्वेश्चंस थे, 30 आप लोग का 40 मार्क्स था, 40 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस थे आप लोग के, ये 30 में आप लोग को 15 लाना पड़ेगा। ठीक है, ये 15 लाना पड़ेगा, तो ये आप लोग का कितना हो गया, 15 15 आप लोग का कितना हो जाता है, 80+ 15, 80+ 15 कितना हो जाता है, 95।
95 हो गया आप लोग का। जीके की बात किया जाए तो जीके में भी आप लोग को जो है 15 लाना होगा, तो अब आपका कितना हो गया 110। तो ये जो आप लोग को मार्क्स दिख रहे हैं, चार मार्क्स फिर से मैं बता दूं, 80, 15 और 15, ये जीके का, ये इंग्लिश का, ये मैथ रीजनिंग का, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाता है टोटल 110, 110 हुआ, 110। तो इसलिए हुआ कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, 1:10 की रेशियो में आप लोग दिए हैं मेंस, और आप लोग पेपर थ्री कितने लोग देंगे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप लोग के मन में। तो मैं ये बता दूं कि ओनली 1:5 की रेशियो में आप लोग का रहेगा, 1:5 के रेशियो में मतलब आप लोग को 294 है, तो 300 लेके मान के चलिए, तो 1500 लोग देंगे आप लोग का पेपर, पेपर थ्री मतलब 1500 लोग बाहर होने वाले हैं, आधे लोग बाहर होने वाले हैं, आधे लोग अंदर होने वाले हैं, और पेपर सबका अच्छा गया हुआ है। 110 तो नॉर्मल आप लोग के स्टूडेंट्स हैं, वो एवरेज लाए हैं। अगर एक अगर ये एक, मतलब 2000 लोग को क्लियर करना होता तो कट ऑफ तो 110 होती, कोई बाई गॉड खाना मतलब 100% जो है 110 कट ऑफ होती अगर 2000 लोग को क्लियर करना होता, लेकिन यहाँ सिर्फ 1500 लोग क्लियर करेंगे, सिर्फ 1500। ये 500 का जो अंतर आ रहा है, ये आप लोग का कट ऑफ थोड़ा बढ़ाने वाला है, 15 नंबर बढ़ाने वाला है, तो 125 जो है वो आप लोग का कट ऑफ बनने वाली है इन 1500 लोग को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये 1500 अगर सेलेक्ट होने हैं तो इसके लिए आप लोग को 125 प्लस तो लाने ही होंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि 140 150 जाएगा, क्यों सोच रहे हैं ये भी मैं बता दूं आपको, 140 150 इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 1:3 में बुलाया जा रहा है, 1:3 में नहीं बुलाया जा रहा है, 1:5 में बुलाया जा रहा है। आपके काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, 1:5 के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप लोग को अराउंड 1500 लोग को बुलाया जाएगा, 1500 लोग घर जाएंगे। तो ये 1500 लोग अगर आप लोगों को क्लियर करना है तो आप लोग को 125 लाना ही पड़ेंगे, 125 प्लस आपके मार्क्स नहीं हुए तो आपका कोई चांस नहीं होगा। तो अगर आपने अटेम्प्ट किया 125 के ऊपर, तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि आप लोग का ऐसा कोई पेपर गड़बड़ हुआ है या अच्छा हुआ है, कुछ भी हो, अगर अपने सारे दोस्तों को बताइए कि अगर इतना अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम है तो बहुत बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि उनको कैनरा बैंक पीओ का पढ़ना पड़ेगा, और आगे जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स, RBI असिस्टेंट का आने का है, LIC AA आने का, उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मैं टीयर थ्री के बारे में बात कर दूं आप लोग का, जो ये 1:5 के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या करना होगा। टीयर थ्री मतलब फेज थ्री जो है उसमें दो टेस्ट होने हैं आपके, एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होना है, एक आप लोग का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना है। कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो होता है वो होता है आप लोग का 50 नंबर का, आधे घंटे के लिए। उसमें आप लोग को क्या क्या देखने मिलेगा, एक तो MS Excel मिलेगा, MS Word मिलेगा, पावर पॉइंट मिलेगा, तो आप लोगों को ये तीनों चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी चीज़ आप लोगों को बनाने जब बोला जा सकता है, तो पावर पॉइंट, MS Word और MS Excel को एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। पावर पॉइंट को भी, MS Word को आप लोग थोड़ा लीनियरली देख सकते हैं, लेकिन आप लोग एक्सेल शीट को ज़रूर देख लीजिएगा। एक्सेल को आप लोग को विथ यूज़ ऑफ फॉर्मूलेस यूज़ करना है, क्योंकि एक्सेल ऐसे नॉर्मल चीज़ नहीं है जो आप लोग एक दिन बैठ गए और आप लोग सीख गए। एक्सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेल को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग के मार्क्स 125 के ऊपर हैं, इनको तो मैं खास कर बोल रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेक्शन फिक्स है। अगला क्वेश्चन आप लोग का डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात किया जाए, तो इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा, आधे घंटे का रहेगा। इसमें आप लोग का एसे और लेटर राइटिंग रहेगा, जो कि आप लोग का SBI PO IBPS PO में देखने मिला था, सेम आप लोग को यहाँ देखने मिलेगा। लेकिन हो सकता है इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, या फिर आप लोग का एम्प्लॉय फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से कोई रिलेशन कुछ हो, या फिर कुछ ना कुछ आप लोग का जो है आप लोग का इस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, ऐसे रिलेटेड हो सकता है, लेटर रिलेटेड हो सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल सब कुछ देख के जाइएगा। ये तो कर दिया जा सकता है। मेन आप लोग का कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है, इसमें एक्सेल को बिल्कुल मत छोड़िएगा, एक्सेल की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोग को फिर से कट ऑफ के बारे में, एक बार फिर से मैं बता दूँ आप लोग को, कट ऑफ विल बी 125 प्लस माइनस 2। प्लीज़ उसके आगे पीछे कोई भी अगर आप लोग को वीडियोस या आपको कोई भी साइट्स अगर आपको बता रहे हैं कि इससे ऊपर नीचे हो, इससे ऊपर होगा, तो गलत है वो। उन्होंने 1:3 सोच के आप लोग का रिजल्ट बता रहा है, तो आप लोग का कट ऑफ 125 प्लस माइनस 2 ही होना है, और ये फिक्स है आपका, 125 प्लस माइनस 2 होना है आपका, फिक्स है ये आपका। आपको रिजल्ट्स का वेट कीजिएगा, और फिर आप लोग इस वीडियो को आप लोग रेस्पॉन्स देने की, आप रेस्पॉन्स नीचे खुद लिखेंगे कि हाँ कट ऑफ ना आपका, आपका कट ऑफ एकदम सही था।
तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम लोग अगले जो भी एग्ज़ाम्स हो उसके रिव्यू करेंगे। और आप लोगों को मैं एक और बात बता दूँ, रोज़ के रोज़ आप लोग के करंट अफेयर्स की वीडियो बन रहे हैं, उसको ज़रूर देखिएगा आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं, काफ़ी आपके फायदेमंद रहेगा। आप लोग का हर क्वेश्चन, आप लोग का जो रिविजन सबसे बढ़िया रिविजन होगा, आप लोग का रोज़ के करंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग के उसमें डिस्कस होते हैं विद आंसर्स होते हैं, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाता है। तो उसको आप लोग साइड बाई साइड नॉलेज लिख भी सकते हैं। एंड आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग को हर वीडियो राइट टू टाइम आप लोग को अपडेट मिलते रहे। एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर एंड लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।